तो ये इन लोगों की मोहब्बत है। चलते चलते आपसे बेहद जाती सवाल भी जरूर पूछना चाहूंगी, दिल चाह रहा है आपसे जरूर पूछूं। जॉन इलिया जैसे बड़े पोएट की आप हम सफर होती है, अपने बच्चों को आपने बड़ी बहादुरी से पाला, कुछ उन लम्हों का जिक्र और कुछ उन बातों की तस्दीक भी चाहूंगी जो अब तक एक बंद बक्से की अमानत है। देखिए, जॉन साहब से मेरी शादी या उनकी शादी मुझसे, ये हमारा अपना इंतखाब थे। हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ने हम पर ये रिश्ता थोपा था। और मैं फिर इस नतीजे पे पहुंची कि हम दोनों का फैसला गलत था, सिर्फ मेरा नहीं उनका भी गलत फैसला था। उनको एक आम सी ऐसी बीवी चाहिए थी जो उनका उनका घर रखे और उनके घर का चूल्हा जलता रहे। अरे मेरे साथ तो मसला ये हो गया कि घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी और वो जरा दूसरी वजह के आदमी थे, जाहिर है वो ये उन्होंने इसको बहुत वो समझा, एक शायर से के रुतबे से गई हुई बात कि वो घर के किसी मसले में दिलचस्पी है या उसको तवज्जो नहीं, बस ये है कि भाई नहीं बनी। आपके हिसाब से रिश्तों को घसीटना नहीं चाहिए, उन्हें खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं तो ये बात चाहती थी कि एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ दिया जाए, लेकिन जॉन साहब घबराते थे, उसकी कुछ वजह थी जो लाजिम नहीं है कि मुझे करूँ। तो चलते चलते ये भी बता दीजिए कि जिंदगी का सही फलसफा अब आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में जिंदगी का फलसफा वही है जो पहले भी था, और वो ये है कि आप अगर लिखने वाले हैं या आप पेंटर हैं, आप शायर हैं, जो कुछ भी हैं, आप अपनी जिम्मेदारियाँ समाज के लिए जरूर अदा करें, क्योंकि हमारा